हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल में। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग इन हिमाचल में। तो जैसे कि आज जो हम गेहूं की कटाई जो है प्रॉपर फाइनल खत्म फाइनल टच आज हम जो है फाइनल टच आज जो हम कटाई जो है खत्म कर देंगे। तो ये है मेरा वीट कटर, ब्रश कटर, जो इसको ब्रश कटर भी बोलते हैं, वीट कटर भी बोलते हैं, गेहूं काटने वाली मशीन भी बोलते हैं, अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में जैसे भी बोल सकते हैं आप। छोटा मिनी वीट कटर है ये। तो इससे जो है ये मेरा वीट कटर जो है फोर स्ट्रोक वीट कटर है एग्रो कंपनी का। ये बहुत अच्छा है और मतलब अच्छी प्रॉपर कटाई करता है। इसमें ये अपने हाथ पे डिपेंड करता है कि कितनी कटाई हुआ कैसे करें। तो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी एक दो दिन पहले की गेहूं काटते समय उस टाइम जो थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम आ गई थी और जो है प्रॉपर आवाज जो प्रॉपर नहीं चल पा रही। तो आज मैं आपको फिर एक बार फिर रूबरू कराता हूँ। तो जैसे ये है मेरा वीट कटर, ये मेरा वीट कटर का ब्लेड डायमंड ब्लेड चढ़ाया हुआ मैंने। एक दूसरा ब्लेड भी होता है, उस ब्लेड से जो दिक्कत आती है थोड़ी बाजू में ज्यादा थकान होती है, इसलिए मैंने इसको डायमंड ब्लेड ले लिया। इससे जो अच्छी प्रॉपर कटाई होती है। और ये है मेरा वीट कटर। तो ये है मेरे वीट कटर की तेल की टंकी। तो मैं आपके जैसे तेल डाल रहा हूँ इसमें टंकी में, तो तेल खत्म हो गया तो मैं क्या चलो तेल डालते और अपने दोस्तों को एक बार फिर अपने खेतों से रूबरू कराते और अपने वीट कटर से। तो ये है इसकी तेल की टंकी। तो आज हम जो इसको ये तेल डाल रहे हैं इसको आधी टंकी पहले से, तो क्योंकि मैं फुल इसकी टंकी जो फुल नहीं करूँगा क्योंकि जो है गेहूँ काटने को थोड़े से बचे और टंकी फुल करने से क्या है। तो इसको हम जो ब्रश कटर का जो है इसको हम नेक्स्ट ईयर निकालेंगे। अब तो नेक्स्ट ईयर या बीच में हम घास की कटाई पड़ी तो उस टाइम निकालेंगे। जब भी घास की कटाई पड़ी तो मैं उस टाइम भी आपको जो है इससे जो अपडेट रूप दिखाऊंगा। जो जिस टाइम भी हम काम करेंगे तो जैसे ये है, वैसे तो ये बहुत अच्छा होता है जब पर जो मैनुअल कटाई होती है जो हाथों से कटाई होती है प्रॉपर तरीके से उसको हम बिल्कुल स्पाई से कटाई होती है। तो ये वैसे तो ये भी ठीक होती है कटाई, मगर इसका क्या होता है जो ये ब्लेड जो बिल्कुल अपने लेवल में बिल्कुल सीधाई में आता है, बिल्कुल अपना लेवल में आता है। और जहाँ तक जो है इस ब्लेड का सवाल है तो जहाँ बिल्कुल खड़ी कनक और प्रॉपर अच्छा नाड़ा हो तो ये बहुत अच्छी कटाई करता है। जहाँ कई बार जो है चूहे वगैरह या मंकी वगैरह या डोगी कुत्ते वगैरह जानवर वगैरह जो आ जाते हैं जमीन में कनक के बीचों बीच, तो उनकी वजह से जो कनक पक गई होती है और बिल्कुल गिर जाती है जैसे ये बीच बीच में गिरी हुई है, तो इस जगह बहुत दिक्कत आती है हमें जो है कटाई करने में। तो ये इसका मुंह, यहाँ इसका मुंह मिलाल डलता है, ये फोर स्ट्रोक इसका मुंह मिलाल लग डलता है और पेट्रोल लग डलता है। जैसे जो टू स्ट्रोक होता है उसका टूटी वेल डलता है, उसमें एक ही टैंकी होती है, उसका इकट्ठा होता है मुंह मिलाल और पेट्रोल जो है मिक्सर जो है इसको मिक्स करके डालना पड़ता है। तो ये फोर स्ट्रोक है, इसकी अलग अलग टैंकी बनी हुई है। तो ये है मेरा वीट कटर। तो मैं आपको इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऐसे ये इसका मेन स्विच है, ये इसका मेन स्विच, इसको स्विच को जो है पीछे ऑन करें और इसको जो है ये किक, इसकी किक जो है ये हाफ किक स्टार्ट है, ये एक बार खींचने से जो बिल्कुल स्टार्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्ट हो गया इस टाइम जो है स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इससे जो है कटाई करूँगा आपके सामने जो है इसकी कटाई करूँगा। तो ये मैंने जो एक हेल्प ले लिया अपने सिस्टर का, जो चुन्नी ले लिया, दुपट्टा ले लिया, इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो बाजू में थोड़ी थकान जो है कम लगती है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से कटाई कर रहा है ये। ये इसका जो मेन एक्सीटर, इसका एक्सीटर जो है ये इसका एक्सीटर है, ये एक्सीटर से जो है इसको हम एक्सीटर से जो एक्सीटर ये इसका हाथ नहीं होता है, जितना एक्सीटर देना चाहते आप अपने आपके हाथ में डिपेंड होता है। तो ये है मेरा वीट कटर। तो आपको मैं एक बार फिर अपना खेत दिखा देता हूँ। तो इसके स्टोव पर मैं जैसे जैसे थोड़ी सी बस उसको मैं बाद में काटूँगा, तो इसको बंद कर देता हूँ अभी। आपको मैं इसके बारे में प्रॉपर जानकारी बताता हूँ। तो ये इसका इसके बारे में प्रॉपर जानकारी बताता हूँ। तो ये इसका
डायमंड का ब्लेड है, इससे इससे क्या होता है, ये डायमंड का ब्लेड है, इससे जो कटाई मैंने आपको पहले बताया कि इससे कटाई जो अच्छी होती है और प्रॉपर होती है। अगर हमने घास काट रहा तो इसका जो ये जो कलेक्टर होता है इसको हम निकाल लेते हैं, कलेक्टर इसका कलेक्टर होता है, जैसे गेहूं को एक साइड कलेक्ट करके एक साइड फेंक देता है कटाई के बाद, तो इसका इस घास काटने के बाद इसको कलेक्टर को भी निकाल देते हैं, इस ब्लेड को भी निकाल देते हैं, इस ब्लेड की जगह जो एक छोटा ब्लेड लगता है, इसी तरह का ब्लेड होता है डायमंड जो 6 इंच का होता है उसको, उससे भी बहुत अच्छा घास की कटाई होती है। तो एक इसका झाड़ी की प्लेट या झाड़ी सफाई करने के लिए भी एक ब्लेड होता है, तीन पंख वाला होता है, तीन पत्ते वाला ब्लेड होता है, दो पत्ते वाला, उससे भी जो हम झाड़ी वगैरह की कटाई कर सकते हैं। और एक ब्लेड होता है टैप एंड गो, रस्सी होती है ऐसे एक रस्सी टाइप का होता है, उससे जो हम खेतों वगैरह में फसलों वगैरह के बीच में जैसे टमाटर टमाटर की फसल या कि उसके बीच में घास घूस होता है, उसके घास को हम टैप एंड गो से उससे जो है उसको निकाल सकते हैं, उस रस्सी से वह घास जो है निकल जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ये एक बार फिर दिखा देता हूँ अपना खेत, ये मेरा खेत जो बहुत बड़ा आकार में बहुत बड़ा खेत है, देख सकते हैं आप कहाँ तक रहो, आगे तक लास्ट तक लगा हुआ है। तो ये हमने तकरीबन जो इसको काट दिया, एक ऊपर भी चला गया इसका खेत, आधा ऊपर चला गया, ऊपर भी काट दी मैंने, और ये नीचे लास्ट ये, तो ये थोड़ी सी बची, मैं अभी इसको हम ख़त्म कर देंगे फाइनल। तो मैं एक बार फिर पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वीडियो को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि इससे जो आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको जो है सारी नोटिफिकेशन उसी टाइम सबसे पहले पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।